हमने लास्ट वीडियो में जेंडर के बारे में पढ़ा था, फिर रिलीजन के बारे में पढ़ा था। तो इफ यू हैव नॉट सीन दैट वीडियो, आई विल टेल यू टू वॉच दैट वीडियो। अगर वो आपको अगर समझ में नहीं आया है, तो ये जो कास्ट एंड पॉलिटिक्स है वो समझना बहुत ही डिफिकल्ट है। तो उस वीडियो को सबसे पहले आप देख लें, उसके बाद इसे देखें। तो हमने अपने लास्ट वीडियोस में एक तो था द जेंडर एज अ फॉर्म ऑफ सोशल डाइवर्सिटी, दूसरा था द रिलीजियन, द हाउ द रिलीजियन इज मिक्स्ड इनटू द पॉलिटिक्स, रिलीजियन पॉलिटिक्स में कैसे मिक्स हो जाता है और कॉम्युनलिज्म को बढ़ावा देता है। उसके बाद हमने द मेन रीजंस फॉर द राइज ऑफ कॉम्युनलिज्म ये भी देखा था कि क्या रीजंस होते हैं, कॉम्युनलिज्म कैसे शुरू होता है। और इसके हमने फोर फॉर्म्स भी देखे थे, सॉल्यूशन, व्हाट इज द सॉल्यूशन टू द कॉम्युनलिज्म, कॉम्युनलिज्म का सॉल्यूशन क्या है, उसमें हमने पढ़ा था सेक्युलरिज्म, हाउ इंडिया कैन बी कॉल्ड अ सेकुलर कंट्री, सेकुलर कंट्री हम लोग इंडिया को कैसे बोल सकते हैं, ये भी हमने देखा था अलग अलग पॉइंट्स के वजह से। बिकॉज ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ द स्टेट रिलीजन, हमारे देश में कोई अपना रिलीजन नहीं है। उसके बाद हमने कहा था कि द सेकुलरिज्म इज ऑल्सो मेंटेन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इन द कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, इंडिया इज अ सॉवरन सेकुलर, सॉवरन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, हमारा जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल इज कॉल्ड द इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज यू नो ऑलरेडी। सो हमारा जो प्रियम्बल है वो कहता है कि इंडिया इज अ सॉवरन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, तो हमारे प्रियम्बल में ही है सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म कब आया, बाय विच अमेंडमेंट एक्ट, इन द बिगिनिंग सेकुलरिज्म वॉज देयर, नो सेकुलरिज्म वॉज नॉट देयर एट द बिगिनिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सेकुलरिज्म वॉज एडेड इन टू फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट में हमारे देश में सेकुलरिज्म ऐड हुआ, हमारे प्रियम्बल में सेकुलरिज्म ऐड हुआ। सो बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट सेकुलरिज्म वाज एडेड इनटू आवर प्रियम्बल एंड आवर कॉन्स्टिट्यूशन। इसके पहले क्या था, तीन वर्ड था, सॉवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सेकुलरिज्म उसमें नहीं था, सेकुलरिज्म एंड द सोशलिस्ट एंड द सोशलिज्म, ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट में आया था, 42nd अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, तो इसे आप याद रखिएगा, एमसीक्यू में ये पूछ सकता है कि बाय विच अमेंडमेंट एक्ट इन विच ईयर, सो 1978, रिमेम्बर इट, 1970, सॉरी 1976, 1976 में हमारे 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, 1976 में बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट सेकुलरिज्म वाज एडेड इनटू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आगे हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे है द कास्ट एंड द पॉलिटिक्स। अब देखिए ये कास्ट क्या होता है, कास्ट होता है द कास्ट इज बेस्ड ऑन द ऑक्यूपेशन, द कास्ट इज यूनिक इन द हिंदू सोसाइटी, हिंदुओं में ये कास्ट ये वर्ड आता है, जाति होती है हिंदुओं में, इन अदर रिलीजन्स द कास्ट इज नॉट देयर, ऑल्दो अलग अलग तरह के वहां पर डाइवर्सिफिकेशन होते हैं अनदर रिलीजन्स में, दूसरे रिलीजन्स में, लेकिन ये जो जाति है वो हमारे हिंदू रिलीजन में ही होती है। तो ये इस जाति का मतलब क्या है, द कास्ट सिस्टम इज अ सोशल डिफरेंशिएशन डिपेंडिंग अपॉन द एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर में जाति, जो जो जाति है वो एम्प्लॉयमेंट के ऊपर में शुरू हुई थी। उसके हम लोग इतिहास में जाना होगा, हिस्ट्री में जाना होगा, हिस्ट्री में आपने पढ़ा है ऋग्वेदिक सोसाइटी एंड द लेटर वैदिक सोसाइटी, ऋग्वेदिक एंड द अर्ली वैदिक एंड द लेटर वैदिक, तो अर्ली वैदिक सोसाइटी में जो कास्ट जो है वो इमर्ज हुआ, तो ये एम्प्लॉयमेंट के ऊपर में जो कास्ट जो है वो शुरू हुआ था, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, कौन के किस सोसाइटी में कौन किस तरह का काम कर रहा है, जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग थे वो ब्राह्मण्स कहलाए, जो फिजिकली स्ट्रांग है वो क्षत्रिय कहलाए, जो जिनका दिमाग, जो लोग ट्रेडिंग करना शुरू कर दिए हैं, जो लोग एक सामान एक जगह से दूसरे जगह पर बेचते थे और खरीदते थे, जो जो ट्रेडिंग बिजनेस से, जो बिजनेस से रिलेटेड थे उनको वैश्य कहा गया, और जो किसी भी काम के लायक नहीं थे, ना वो एजुकेटेड थे, ना ही वो फिजिकली स्ट्रांग थे, ना ही वो मेंटली स्ट्रांग थे कि कोई ट्रेड कर पाए, तो वो शूद्र कहलाए। एंड आज हम लोगों का एस जो शेड्यूल कास्ट है वो एक तरह का शूद्र ही है, शूद्र कास्ट ही को ही शेड्यूल कास्ट कहा जाता है। तो ये एम्प्लॉयमेंट के ऊपर में बना हुआ था कास्ट,
इन विच पीरियड, इन द ऋग्वेदिक पीरियड, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड आते आते ये बाई बर्थ हो गया। लेकिन अभी भी हम लोग देखें तो एम्प्लॉयमेंट के ऊपर ही कास्ट अभी भी चल रहा है, बाई बर्थ। आज के टाइम में ये है बाई बर्थ, यू कैन नॉट चेंज योर कास्ट। कास्ट अगर एक बार अपने कास्ट में अगर बॉर्न हो गया तो इट इज वेरी 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 डिफिकल्ट टू चेंज द कास्ट। कास्ट चेंज करना आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मुश्किल है, सॉरी। तो इट इज हैजर्ड, कास्ट इज अ हैडर बिकॉज इट इज अ हेरिडिटरी। तो हेरिडिटरी है इसीलिए हम लोग इसे चेंज नहीं कर सकते। इफ यू बिलोंग टू द सेम कास्ट इन विच योर फादर, योर फोर फादर, योर ग्रैंड फादर हैड द कास्ट। सो ये जो कास्ट सिस्टम है वो समाज को डिवाइड कर देता है, इट क्रिएट्स डिविजन्स। क्योंकि एक जाति और दूसरी जाति ये दोनों समाज में डिफरेंसिएशन शुरू करती हैं। तो कैसे डिफरेंसिएशन शुरू करती हैं? बिकॉज ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। अब अगर हम लोग जैसे कि अलग अलग कास्ट के बारे में अगर हम लोग बात करें, जैसे कि वॉशरमैन कास्ट, द वॉशरमैन कास्ट, वॉशरमैन कास्ट में आप अगर देखें तो उसके फादर भी एक वॉशरमैन है, वो उनका जो लड़का है वो भी एक वॉशरमैन ही है, वॉशरमैन मीन धोबी कास्ट। उसके बाद अगर हम लोग देखें द कोबलर कास्ट, COBBLER, आई एम राइटिंग विद द माउस सो द स्पेलिंग वी हैव टू कॉम्प्रोमाइज, कोबलर कास्ट। सो द कोबलर कास्ट इज कॉल्ड द चमार कास्ट। सो द कोबलर कास्ट इज ऑल्सो अ ऑक्यूपेशन, उसके फोर फादर हिज फादर ही सपोज अ पर्सन इज अ कोबलर, सो हिज फादर वॉज ऑल्सो अ कोबलर, हिज ग्रैंड फादर वॉज ऑल्सो अ कोबलर, ही इज स्टिल कंटिन्यूइंग हिज ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन। ये जो कास्ट इनइक्वालिटी क्या होता है, दैट इज कास्ट इनइक्वालिटी। सो द कास्ट इनइक्वालिटी इज अ एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ कास्ट विच इज पास फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन एंड इट क्रिएट्स अ डिविजन्स इन द सोसाइटी। अब ये जो कास्ट इनइक्वालिटी है वो ज़्यादा गांव में देखा जाता है, इन द विलेज एरिया, इन द विलेज एरिया दिस कास्ट इनइक्वालिटी इज सीन इन अ मोस्ट सीवियर फॉर्म, बट इन द अर्बन एरिया द कास्ट इनइक्वालिटी इज नॉट सीन। कास्ट इनइक्वालिटी इज रेयरली सीन इन द अर्बन एरिया। हम लोग जब इफ वी ट्रैवल इन द बस, ट्रेन, इन द पब्लिक प्लेस, नो बडी बॉदर, इन द होटल्स, रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल्स, नो बडी बॉदर, कोई बॉदर नहीं करता कि हमारे बगल में जो बैठा हुआ है वो किस कास्ट का है, ठीक है। तो ये शहर में ज्यादा नहीं होता है, जैसे कि हम लोग ट्रेन में इफ यू आर ट्रैवलिंग द ट्रेन इन द बस, हम लोग ऐसा कुछ भी नहीं सोचते कि हमारे जो बगल में है, हमारे सामने है, वो किस कास्ट का है, जहाँ सीट मिलता है आदमी बैठ जाता है। तो इन द अर्बन एरिया दिस कास्ट हैज द मीनिंगलेस, इट हैज नो मीनिंग, इट इज अ मीनिंगलेस। बट इन द रूरल एरिया, इन द विलेज एरिया, दिस कास्ट इज सीन, ओके। एंड बिकॉज ऑफ द एक्सप्लॉयटेशन, इट इज द हायर कास्ट पीपल हैव एक्सप्लॉयटेड द लोअर कास्ट पीपल, एंड दैट इज वाई जो ऊंचे कास्ट के लोग हैं वो नीचे कास्ट के लोगों को एक्सप्लॉयट किया है उन्होंने, क्योंकि उनको वेद पढ़ने का अधिकार नहीं था, जो लोअर कास्ट के लोग हैं उनको वेद पढ़ने का अधिकार नहीं था, उनको कोई भी सेक्रेट थिंग, दे कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द सेक्रेट, इन द रिलीजियस एक्टिविटीज, दे कैन नॉट चांट द मंत्रास, द रिचुअल्स ऑफ द वेदास। सो दीज आर द डिफरेंसिएशन, कास्ट इन इक्वालिटी बिकॉज ऑफ द स्टीरियोटाइप इन द कास्ट सिस्टम, इट क्रिएटेड इन इक्वालिटीज इन द सोसाइटी, बट दिस कास्ट इन इक्वालिटी। सो इफ ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, वट आर द रीजन्स फॉर द डिमिनिशिंग कास्ट इन अर्बन एरिया, और डू यू थिंक दैट इन द अर्बन एरिया द कास्ट सिस्टम इज लेस इम्पॉर्टेंट, एक्सप्लेन। सो यहाँ पर आपको ये आंसर लिखना होगा, आई विल टेल एवरीवन टू राइट डाउन इट द रीजन्स फॉर लेस इम्पॉर्टेंस ऑफ द कास्ट सिस्टम इन अर्बन एरिया। नाउ वी आर मूविंग अहेड, सो कास्ट इन द पॉलिटिक्स, नेक्स्ट इज द कास्ट इन द पॉलिटिक्स, कैसे कास्ट जो है वो पॉलिटिक्स को अफेक्ट करता है, ये हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। तो क्या कास्ट पॉलिटिक्स को भी अफेक्ट करता है? तो हाँ, देखिए अगर कोई, सो व्हाट इज द पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स इज अ पार्ट टू ग्रैब द पावर। पॉलिटिक्स क्या है? इट इज अ वे, इट इज अ प्लेटफॉर्म टू ग्रैब द पॉलिटिकल पावर। और कोई भी पॉलिटिकल पावर, कोई भी अगर पॉलिटिशियन है,
उससे ज़्यादा ज़्यादा वोट लेना पड़ता है टू विन द इलेक्शन। इलेक्शन जीतने के लिए क्या होता है, उसे वोट की जरूरत पड़ती है। तो अगर एवरी पॉलिटिकल पार्टी गिव दियर पार्टी टिकट टू द कैंडिडेट हु इज मोस्ट पॉपुलर इन दैट पार्टिकुलर कास्ट, अगर किसी किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर कोई पोलिटिकल पार्टी अगर देखे कि हमें वोट लेना है, तो वो सबसे पहले यही देखेगा कि उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में कौन से कास्ट, कौन सा जाति सबसे मेजोरिटी में है, ठीक है। और अगर उसने देखा कि जो क्षत्रिय कास्ट है या फिर जो ब्राह्मण कास्ट है वो मेजोरिटी में है, या फिर ST और SC अगर मेजोरिटी में है, तो उसी कास्ट के किसी आदमी को वो पार्टी टिकट देगा। अब पार्टी टिकट क्या होता है, इलेक्शन से पहले हर एक पॉलिटिकल पार्टी अपना पार्टी टिकट देती है, अपना उम्मीदवार खड़ा करती है कि हमारे पार्टी से ये उम्मीदवार खड़ा है, आप लोग कृपा करके इसे ही वोट दें। तो वो किसको पार्टी टिकट देगी, तो वो ये देखेगी कि उस कंस्टिट्यूएंसी में सबसे ज्यादा नंबर किस जाति के लोगों का है, कौन सबसे बड़ी जाति है, और पार्टी टिकट वो उसी कास्ट के आदमी को ही देगी। तो सबसे पहला देखिए, व्हेन पॉलिटिकल लीडर्स चूज देयर कैंडिडेट्स और क्रिएट गवर्नमेंट, दे नॉर्मली मेक श्योर दैट द मेंबर्स कम फ्रॉम मेनी कास्ट और द ट्राइब्स इंक्लूडेड। इट मीन्स जो सबसे ज्यादा जिस कास्ट का नंबर है उसी कास्ट के लोगों को वो टिकट देगी, या फिर ट्राइब्स को वो टिकट देगी इन ऑर्डर टू विन द इलेक्शन। इन ऑर्डर टू विन द इलेक्शन द पोलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिशियन मेक अपील अबाउट द कास्ट सेंटिमेंट, मेक अपील टू द कास्ट सेंटिमेंट। वो कास्ट सेंटिमेंट को ही अपील देती है। कास्ट सेंटिमेंट मतलब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए कि अगर हम किसी झारखंड में जाएं, तो इन झारखंड व्हाट वी विल गिव, व्हाट टाइप ऑफ अपील, वी विल पे रेस्पेक्ट टू बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा इज कॉल्ड द गॉड ऑफ द ट्राइबल सोसाइटी। बिरसा मुंडा इज द गॉड ऑफ द ट्राइबल सोसाइटी, ही ऑल्सो बिलोंग टू द मुंडा ट्राइब, वो भी एक ट्राइबल लीडर थे बिरसा मुंडा। द मुंडा रिबेलियन यू हैव स्टडीड, ही इज कॉल्ड एज द धरती आबा, कि वो उन्हें भगवान का दर्जा दिया जाता है बिरसा मुंडा को। तो बिरसा मुंडा को हम लोग उन्हें उनको माला पहनाएंगे। उसके बाद अगर इफ वी गो टू महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में जाए तो महाराष्ट्र में शिवाजी, वी विल पे होमेज टू शिवाजी। तो ये कास्ट सेंटिमेंट है। कास्ट सेंटिमेंट बोलेंगे कि आपके कास्ट के साथ अन्याय हुआ है, हम लोग आपके कास्ट को प्रोटेक्शन देंगे। तो ये एक दूसरा फॉर्म ऑफ पॉलिटिक्स है जिसमें कैस किस तरह से कास्ट पॉलिटिक्स को अफेक्ट करता है। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा, जब किसी कंस्टिट्यूएंसी में देखा जाए तो कौन से कास्ट मेजोरिटी में है उसको हम अपना पार्टी टिकट देंगे, हम कास्ट सेंटिमेंट बोलेंगे। और हर एक कास्ट, हर एक लोग जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ वन मैन वन वोट। ऐसा नहीं है कि जो हायर कास्ट के लोग हैं उनके पास दो वोट हैं और जो लोअर कास्ट के लोग हैं उनके पास एक वोट है, हायर कास्ट के पास दो वोट, लोअर कास्ट के पास एक वोट, ऐसा तो नहीं है। एवरीबडी हैज द वन वोट, सो एवरीबडी इज पावरफुल, द लोअर कास्ट पीपल इज ऑल्सो अ पावरफुल। नाउ द लोअर कास्ट पीपल इज ऑल्सो अवेयर अबाउट द पॉलिटिक्स। दिस इज द रीजन हाउ द कास्ट हैव देयर इम्पैक्ट अपॉन द पॉलिटिक्स। एक कास्ट पॉलिटिक्स को कैसे अफेक्ट करता है आपने समझ लिया होगा इन्हीं रीजन से। तो मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या पॉलिटिक्स केवल कास्ट ही है? द कास्ट इज ऑल अबाउट, एवरीथिंग इज द कास्ट। क्या पॉलिटिक्स में सब कुछ कास्ट ही होता है? नहीं, कुछ अदर फैक्टर्स भी हैं, जैसे कि एवरीबडी डू नॉट बॉदर अबाउट द कास्ट। कुछ लोग यहाँ पे होते हैं जो कि डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं कि जो पार्टी ज़्यादा डेवलपमेंट देगी, जो जो पार्टी सबसे ईमानदार होगी, हम उसे ही वोट देंगे, हम अपने कास्ट के आदमी को वोट नहीं देंगे। हम लोग उसको वोट देंगे जो सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट करे, सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट दे, उसको हम लोग सबसे ज़्यादा वोट देंगे, ठीक है। तो
ऐसा नहीं है कि एक पॉलिटिकल पार्टी अगर किसी कास्ट का अपील करती है तो सारे कास्ट के लोग उसको वोट दे दें। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल के लिए अगर देखें तो अगर झारखंड में ST SC हैं तो ST SC क्या किसी एक पार्टी को ही वोट देते हैं? या फिर अगर हम लोग मुस्लिम्स की बात करें तो मुस्लिम्स क्या केवल कांग्रेस को ही वोट देते हैं? नहीं, वो लोग CPM को भी वोट देते हैं, तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, उसके बाद मायावती को भी वोट देते हैं, द समाजवादी पार्टी, तो बहुजन समाज पार्टी उसको भी वोट देते हैं, द AIM IM उसको भी वोट देते हैं। तो केवल कास्ट ही एक फैक्टर नहीं होता, केवल कास्ट ही एक फैक्टर नहीं होता, इसके लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी देखा जाता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अनदर थिंग, नो पार्टी विंस द वोट्स ऑफ ऑल द वोटर्स और कास्ट इन द कम्युनिटी। कोई भी एक पॉलिटिकल पार्टी सारे वोटर्स का वोट नहीं ले सकती। सम वोटर्स मे हैव मोर देन वन कैंडिडेट फ्रॉम दियर कास्ट। अगर मान लीजिए कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर उस कास्ट के लोग ज्यादा हैं और किसी एक पार्टी ने उसी के मेंबर के एक आदमी को अगर पार्टी टिकट दिया, तो दूसरी पार्टी है वो भी उसी कास्ट के लोगों को ही, उसी कास्ट के ही एक आदमी को अपना पार्टी टिकट देगी, फिर अन्य एक दूसरी पार्टी है वो भी उसी पार्टी के ही किसी आदमी को वोट देगी। तो यहाँ पर क्या होता है, वो डाइवर्ट हो जाता है कि वो एक जाति सोचे कि उस तरफ ही हमारा ही एक आदमी है, उस तरफ ही हमारा भी, उस तरफ ही हमारा ही आदमी है, तो यहाँ पर वोट शेयर क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। अनदर थिंग, द फोर्थ वन इज द रूलिंग पार्टी एंड द सिटिंग MLA MP कीप चेंजिंग व्हेनेवर द फर्स्ट इलेक्शन हैपेंस। यहाँ पर क्या होता है, MLA MP, एक ही MLA MP जीत रहा है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो ऐसा होता है कि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक आदमी जीता, फिर दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंसी, फिर उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से 5 साल के बाद कोई दूसरा आदमी जीत रहा है, फिर अगले 5 साल के बाद कोई दूसरा आदमी जीता। तो कास्ट अफेक्ट पॉलिटिक्स, कास्ट तो पॉलिटिक्स को अफेक्ट करता है, लेकिन सब कुछ कास्ट ही नहीं होता, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होता है, द एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होता है। हर कोई कास्ट के बारे में नहीं सोचता, एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या एक ही कास्ट होगा? नहीं, उसमें अलग अलग कास्ट भी हो सकते हैं। सो दीज आर द फैक्टर्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द कास्ट इन पॉलिटिक्स। अनदर वन इज द पॉलिटिक्स इन कास्ट। क्या पॉलिटिक्स भी कास्ट को अफेक्ट करता है? बिल्कुल हाँ करता है। तो क्या पॉलिटिक्स भी कास्ट को अफेक्ट करता है? यस, द पॉलिटिक्स ऑल्सो अफेक्ट द कास्ट सिस्टम। क्योंकि देखिए, एक कास्ट जो है, हर एक कास्ट यही चाहता है कि हमारा नंबर बड़ा हो, क्योंकि जितना ज्यादा नंबर होगा उतना ही उसका ज्यादा एडवांटेज है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उसकी बात को उतने ही ज्यादा सीरियसली सुनेगी। तो हमारे देश में क्या है, जिसका ज्यादा वोट होगा उसी की बात सबसे ज्यादा सुनी जाएगी। तो हर एक कास्ट यही सोचता है कि हमारा ग्रुप बहुत ही बड़ा हो, और इसीलिए वो सब कास्ट को इंक्लूड कर लेता है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें शेड्यूल्ड कास्ट में, बहुत सारे कास्ट होते हैं जो कि केवल शेड्यूल्ड कास्ट ही कहे जाते हैं। जैसे कि हमने बताया, द वॉशरमैन, द कोबलर, द आयरन स्मिथ पीपल, जो कि लोहार होते हैं, जो कि लोहार काम करते हैं, जो कि चमड़े का काम करते हैं, जो कि धोबी का काम करते हैं, या फिर जो हेयर कटर जो लोग हैं, वो सारे एक एक कास्ट में वो लोग आ जाते हैं, जैसे कि शेड्यूल्ड कास्ट। अब इसके साथ साथ जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं वो भी ST SC, वो सभी इसी कास्ट में ही आ जाते हैं, SC और ST। ST और SC में जो सब कास्ट है, ST और ST तो बहुत सारा है, जैसे कि जो मुंडा है, संथाली है, द गुज्जर, बकरवाल्स, ये बहुत सारे ST हैं, द भील्स, द गोंड्स, तो ST तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे ST हैं। तो उन सभी केवल एक ग्रुप में आ जाते हैं, ST, और ST और SC दोनों ही आपस में मिल जाते हैं। तो उससे क्या होता है, उनका नंबर बहुत बड़ा हो जाता है। और जब भी हम लोग ST SC के बारे में बात करते हैं तो इसमें सब कास्ट सारे के सारे एक साथ मिल जाते हैं, उनका वोट शेयर बढ़ जाता है। तो अगर कोई कोई भी लॉ पास होता है ST SC के लिए, तो उसमें सब के सब आ जाते हैं।
तो हर एक कास्ट अपने आप को बिगर बनाता है, अपने आप को बड़ा बनाता है, जिससे उसकी बात पॉलिटिक्स में ज्यादा से ज्यादा सुनी जाए। ठीक है, तो इस तरह से जो कास्ट होता है उसमें भी पॉलिटिक्स होता है। पॉलिटिक्स हाउ द कास्ट इज गेटिंग पॉलिटिसाइज्ड, इसमें अलग एक और भी तरह का क्वेश्चन आता है, हाउ द कास्ट गेट्स पॉलिटिसाइज्ड। तो बाई एवरी ईच कास्ट ग्रुप ट्राई टू इंक्रीज दियर नंबर, क्योंकि नंबर आपका जितना बड़ा होगा, हमारे हमारे देश क्या है, मेनली इट इज बेस्ड ऑन द वोट्स, जिसकी जितना ज्यादा वोट होगा उसकी बात उतना ही ज्यादा पॉलिटिकल लीडर सुनेंगे, उसकी बात को मानेंगे। तो ये एक रीजन हो गया। दूसरा रीजन हो गया, एक एक जो कास्ट है वो दूसरे कास्ट के साथ अलायंस करके अपना नेगोशिएशन और अपना अपना डिस्कशन करते हैं। ठीक है, जैसे कि ST SC है, उसके बाद जो मुस्लिम्स हैं, द मुस्लिम्स एंड द ST SC वो आपस में ही मिल जाते हैं। जैसे कि कितना एक नारा दिया जाता है, जय भीम एंड जय मीम, जय भीम जय मीम। तो इसमें क्या होता है, जो ST SC और मुस्लिम्स ये सब के सब आपस में मिल जाते हैं और नेगोशिएट करते हैं। अब तीसरा क्या है, बैकवर्ड एंड द फॉरवर्ड का, फॉरवर्ड कास्ट, यू आर द बैकवर्ड कास्ट और द फॉरवर्ड कास्ट। अब इसमें देखिए OBC जो होते हैं, OBC भी आ जाते हैं, और ये सब के सब आपस में अलायंस कर देते हैं। जैसे कि जो यादव हैं वो भी आ जाते हैं OBC में, और भी बहुत सारे OBCs, नए नए OBCs आते हैं। तो ये सारे के सारे एक साथ मिल जाते हैं और ये कहलाते हैं द बैकवर्ड कास्ट। ठीक है, द मुस्लिम्स, अब जैसे कि ये जो मुस्लिम्स हैं, जो OBC हैं, ST SC हैं, उनका रिलीजन तो अलग अलग है। OBCs हिंदूज में आते हैं, मुस्लिम्स तो उनका अलग रिलीजन है, लेकिन ये सब के सब एक साथ मिल जाते हैं और ये लोग कहलाते हैं द बैकवर्ड कास्ट। और जो जो फॉरवर्ड कास्ट है उसमें क्या आते हैं, जो जो भी सारे जनरल कास्ट के लोग हैं, जैसे कि द पंडित सा देर, द ब्राह्मण सा देर, द राजपूत, जो राजपूत हैं, जो ब्राह्मण हैं, वो लोग आते हैं फॉरवर्ड कास्ट में, और जो बैकवर्ड कास्ट होते हैं वो इतने सारे ग्रुप आते हैं। तो जो फॉरवर्ड कास्ट हैं उनका भी वोट शेयर बढ़ गया, और जो ST SC OBC और मुस्लिम्स हैं वो सब आपस में एक हो गए और उनका भी वोट शेयर बढ़ गया। ठीक है, तो इस तरह का जो इट इज वेरी बैड, इस तरह की जो पॉलिटिक्स है वो बहुत गलत होती है, क्योंकि लोगों को वोट किस पर देना चाहिए, वोट देना चाहिए एम्प्लॉयमेंट पर, द डेवलपमेंट पर, लॉ एंड ऑर्डर पर, लेकिन वोट किसके लिए देते हैं, कास्ट के ऊपर में। तो अगर पीपल इफ पीपल गिव देयर वोट्स ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट, इट विल लीड टू टेंशन, कंफ्लिक्ट एंड द वायलेंस इन द सोसाइटी। ठीक है, तो ये जो जो वोट्स हैं, जो अगर हम लोग जाति में ही पॉलिटिकल लीडर्स सोचते हैं कि अगर हम लोग जाति के नाम पर ही अगर वोट ले लेते हैं तो हमें डेवलपमेंट करने की क्या जरूरत है, व्हाट इज द नीड ऑफ द डेवलपमेंट। सो रियल जो मुद्दे होते हैं उनसे उनसे ध्यान हट जाता है। सो दीज आर द रीजंस हाउ द कास्ट गेट पोलिटिसाइज्ड, और हाउ द पॉलिटिक्स अफेक्ट द कास्ट इन सोसाइटी। सो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो इस चैप्टर में एक बार रिकॉल करवा देता हूँ कि हमने इस चैप्टर में पढ़ा है क्या क्या। तो इस चैप्टर में सोशल डाइवर्सिटीज के बारे में पढ़ी है। ये चैप्टर जो है वो तीन डाइवर्सिटीज के ऊपर में बना हुआ है। पहला है द जेंडर, दूसरा है रिलीजियन, और तीसरा है द कास्ट। जेंडर के बारे में हमने पढ़ा था, इट इज नेचुरल, इट इज बायोलॉजिकल। रिलीजियन के बारे में पढ़ा था, क्रिएटेड बाय सोसाइटी, कास्ट इज क्रिएटेड बाय सोसाइटी। रिलीजियन अगर पॉलिटिक्स में आ जाता है, रिलीजियन सबसे अच्छा होता है, बिकॉज रिलीजियन से ही हम लोग एटिकेट सीखते हैं, रिलीजियन से ही हम लोग अच्छा बुरा सीखते हैं, कैसे किसी को रिस्पेक्ट दिया जाए, एल्डर्स को सपोर्ट देना चाहिए, वुमेन एंड चिल्ड्रेन शुड बी गिवन मोर प्रोटेक्शन, ये सब कुछ हम लोग रिलीजियन से ही सीखते हैं। लेकिन रिलीजियन जब भी पॉलिटिक्स में आ जाए, पॉलिटिकल लीडर्स रिलीजियन का हेल्प लेकर के वोट मांगना शुरू कर दें और पॉलिटिकल पावर को कैप्चर करने की कोशिश करने लगे, तो
तो ये कॉम्युनलिज्म को ही बढ़ावा देता है. कॉम्युनलिज्म इज ऑलवेज बैड. व्हाट आर द रीजंस ऑफ द कॉम्युनलिज्म हमने पढ़ा था. फॉर्म्स ऑफ कॉम्युनलिज्म हमने पढ़ा था कि चार अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, ये भी हमने पढ़ा था. उसके बाद हाउ द कास्ट अफेक्ट द पॉलिटिक्स, इसमें हमने ये पढ़ा था कि एक कंस्टिट्यूएंसी में जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी वोट लेने के लिए जाती है तो ये देखती है कि उस कंस्टिट्यूएंसी में कौन सी जाति सबसे बड़ी है, और हम लोग अपना जो पार्टी टिकट है वो उसी कैंडिडेट को देंगे जो उस कास्ट का हो. इससे क्या होगा, उसको लोग ज़्यादा से ज़्यादा वोट देंगे. उसके बाद जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो कास्ट सेंटिमेंट यूज़ करते हैं, ठीक है, और हर एक का वोट उन्हें बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जरूरी होता है, क्योंकि सबके पास एक ही वोट है, ठीक है. लोअर कास्ट पीपल हमेशा ये सोचते हैं कि हम अपने ही कास्ट के लोगों को वोट दें, लेकिन ये इसका एक नेगेटिव होता है. हर हर आदमी कास्ट के बारे में नहीं सोचता है, कुछ आदमी डेवलपमेंट के बारे में भी सोचता है. दूसरा है कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में ऐसा नहीं है कि केवल एक ही कास्ट है, अलग अलग कास्ट के लोग होते हैं, तो उनको पॉलिटिकल लीडर्स को अलग अलग कास्ट के लोगों का कॉन्फिडेंस लेना होता है. तो केवल जाति ही कास्ट को अफेक्ट नहीं करती है, दूसरे फैक्टर्स हैं वो भी अफेक्ट करते हैं, वो भी इन्फ्लुएंस करते हैं. उसके बाद ऐसा नहीं होता है कि केवल जो जो कास्ट होता है वही पॉलिटिक्स को अफेक्ट करता है, कभी कभी पॉलिटिक्स भी कास्ट को अफेक्ट करता है. कास्ट भी जाति भी अपनी पॉलिटिक्स करते हैं. एक जाति के लोग हैं वो पॉलिटिक्स करते हैं कि अपना हमारा एरिया बढ़ जाए, हमारा नंबर बढ़ जाए. जैसे हमारा नंबर बढ़ जाएगा तो उसी तरह से हमारे वोट शेयर भी हमारा बढ़ जाएगा, दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज हमारी बात सुनेंगे, इसीलिए वो दूसरे सब कास्ट के साथ मिल करके अपना बड़ा ग्रुप बना लेता है, फिर डायलॉग और नेगोशिएशन करता है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड पूरा बना देता है कि तुम फॉरवर्ड कास्ट के हो, हम बैकवर्ड कास्ट के हैं, ठीक है. और ये जो पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट जो होता है वो एथनिक वायलेंस, टेंशन और इवन कन्फ्लिक्ट को बढ़ावा देता है. तब इसीलिए इससे क्या होता है कि मेन मुद्दों से हमारा ध्यान भटक जाता है, हम लोग डेवलपमेंट एम्प्लॉयमेंट की बात नहीं करते, केवल जाति की ही बात करते रह जाते हैं. तो आई होप दिस वीडियो इज यू हैव लाइक्ड. आई होप दिस वीडियो इज इनफ टू मेक यू अंडरस्टैंड अबाउट दिस डिफिकल्ट चैप्टर. अगर आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस करने हैं तो देन सेंड मी इन द कमेंट सेक्शन, कमेंट मी, देन आई विल ब्रिंग द क्वेश्चन आंसर्स ऑल्सो इन दिस वीडियो. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.